आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना एम्पलीफायर का कलेक्शन। तो हे गाइस, तो कैसे आप लोग हो? एकदम बड़े हो, एकदम मस्त हो। वेलकम आपका हमारे कोरदा जी ने फ्रेश ब्लॉग के अंदर। एंड आज के इस ब्लॉग के अंदर बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा हटके ये ब्लॉग होने वाला है। कैसा? क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना एम्पलीफायर का कलेक्शन। तो इतने सारे भी नहीं है, थोड़े बहुत है, जो भी है आपको दिखाने वाला, बहुत ही मजा आने वाला है। एंड उनमें से कुछ एम्पलीफायर मैंने खुद घर में बनाए हैं, एंड वो फिलहाल ठीक मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने है, और मैं आपको कुछ टाइम में दिखाने वाला हूँ। उससे पहले एक चीज कहूंगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यू आर चालाक ब्रो। और बहुत सारे थे एम्पलीफायर मशीन, बट वो फिलहाल हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि बेचारे की मतलब मैंने जो ना मतलब बलि चढ़ा दी, उनको तोड़ फोड़ दिए। क्योंकि मैं क्या करूंगा ना यार, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाता हूँ, चाहे एम्पलीफायर नहीं मतलब कुछ भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाता हूँ, आपको पता है मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है प्रज्वल रोबोटिक्स, उससे मैं काफी ज़रा मस्त मस्त प्रोजेक्ट वगैरह बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने राइटिंग मशीन बनाया था, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया था, इस टाइप से बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह मैं बनाता रहता हूँ। एंड वो प्रोजेक्ट में क्या करता हूँ ना यार, कुछ ना कुछ टाइम के बाद मैं उन प्रोजेक्ट को तोड़ता हूँ। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, आपको पता है हर बार यार कुछ ना कुछ नया आइटम लाना होता है, तो जब भी मैं प्रोजेक्ट नया बनाता हूँ तो मेरे को यार पुराने सामान मतलब पुराने प्रोजेक्ट में से सामान निकालना पड़ता है। कि अगर मैं हर प्रोजेक्ट के लिए सामान निकालूंगा ना, मतलब हर बार नया सामान लेके आऊंगा, मेरे काफी सारे पैसे लग जाएंगे, और इतने पैसे भाई साहब आपका भाई कहाँ से लाएगा? ये गड़बड़ है बाबा। इसलिए मैं पुराने प्रोजेक्ट को ही तोड़ के नया प्रोजेक्ट वगैरह बना देता हूँ, ठीक है, उसका सामान यूज कर लेता हूँ। बट फाइनली हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है ये वाला, ठीक है, थैंक यू। देखिए कब हमारा फर्स्ट पेमेंट आता है, जैसे ही आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, और कितना आया, कितना टाइम बाद आया, सब कुछ बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से ब्लॉग को शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले यहाँ पे ये छोटू सा एम्पलीफायर है, जो कि मैंने खुद घर पे बनाया था, और इससे छोटा एम्पलीफायर शायद आपने कहीं देखा होगा, एंड बताना कमेंट करके। और ये मैंने खुद घर पे बनाया, एंड इसीलिए काफी ज्यादा स्पेशल भी है। तो चलो अभी यहाँ पे मैं आपको इसका साउंड दिखाता हूँ। वैसे तो इसको छोटे स्पीकर पे चलाते हैं, तो मैं आपको छोटे स्पीकर की बजाय मतलब छोटा स्पीकर के ऊपर नहीं चला के दिखाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट तगड़ी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे आपको इस वाले के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा उस वाले एम्पलीफायर को। चलो फटाफट से इसको लेके चलते हैं, बट एक से तो मैं नहीं लेने के ले सकता ना, क्योंकि मैं कौन सा सुपरमैन हूं। तो चलो फटाफट से इसको वहां पे लेके चलता हूं। फाइनली सेटअप डन हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे एम्पलीफायर सॉरी स्पीकर लग चुके हैं, एम्पलीफायर ये रहा, फोन ये रहा। फटाफट से इसको ऑन करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको गाने वगैरह बजा के दिखाता हूँ। और मैं यहाँ पे आपको 10 इंच और साथ में 8 इंच दोनों एक साथ चला के दिखाने वाला हूँ, इससे बड़ी बात भाई साहब क्या हो सकती है, क्योंकि ये तो भाई साहब छोटे छोटे स्पीकर हो को चलाने के लिए, बट फिर भी आपको भाई यहाँ पे आपको बड़े स्पीकर चला के दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब आपको मतलब काफी तगड़ी इसकी जो ना साउंड टेस्टिंग करा के दिखाने वाला। तो अभी कैसे आप इसका साउंड सुनो, बताना कमेंट करके कैसा आपको इसका साउंड क्वालिटी लगा इस एम्पलीफायर मशीन का। बेस भी बढ़िया, बट उतना ज्यादा हाई बेस नहीं है कि ये इसका पर्दा हिला दे, ठीक है, इतना तगड़ा बेस बेचारे के अंदर नहीं है, क्योंकि काफी छोटू सा यार, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आगे तो भाई साहब बहुत तगड़े तगड़े बोर्ड आने वाले, बहुत तगड़े तगड़े एम्पलीफायर मशीन आने वाले हैं, उनका भाई साहब बहुत तगड़ा साउंड है। तो भी बारी है भाई साहब नेक्स्ट एम्पलीफायर मशीन की, वो है यहाँ पे ये वाला एम्पलीफायर, और ये भी भाई साहब मैंने खुद घर पे बनाया, इसका मेकिंग वीडियो मेरे दूसरे चैनल प्रज्वल रोबोटिक्स चैनल के ऊपर आ चुका है, जो कि आपको इस चैनल के होम पेज पे मिल जाएगा। अगर आप मेरे इस ब्लॉग चैनल के ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको मेरा दूसरा चैनल मिल जाएगा, तो यहाँ पे उस पे आप वीडियो भी देख सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। समझ इसके अंदर कौन सा बोर्ड लगा मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर बोर्ड लगा 7297 आईसी बोर्ड, जो कि डबल आईसी ड्यूल आईसी बोर्ड है, और इसके अंदर ब्लूटूथ कार्ड भी है, कनेक्टर है, और यहाँ पे इसके अंदर मैंने इन बिल्ट यहाँ पे कंट्रोलर लगा दिए, वायर वगैरह भी लगा सकते था, बट उससे थोड़ा बहुत नॉइस का प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ये चलता है डायरेक्ट 12 वोल्ट से, और अगर इसको 4-5 एम्पियर देंगे तो बहुत ही बड़े साउंड आता, बट फिलहाल आपके भाई के पास 4-5 एम्पियर का कोई पावर सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो यार गरीबी है भाई, हम लोगों ने गरीबी देखी है। यहाँ पे ये वाला अडेप्टर है, तो इससे ही चला के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये भी काफी बड़े साउंड देता है, ठीक है, मतलब इससे भी काफी बड़े साउंड मिलता है। तो चलो इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, देखो ये
चल जाएगा। बट यहाँ पे इसके साथ कुछ स्पीकर अटैच नहीं है, फटाफट से स्पीकर भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे इसका भी सेटअप डन हो चुका है, और चलो यहाँ पे ऑन तो है ही, फटाफट से इसको फोन के साथ मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और म्यूजिक बजा के आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। तो फाइनली ये कनेक्ट हो चुका है, फटाफट से म्यूजिक को प्ले करता हूँ, और म्यूजिक यहाँ से फुल है, देखो यहाँ पे इसको साइड रख देता हूँ। और अभी आप इसका साउंड सुनना, इस बोर्ड का बेस काफी मेरे को मतलब बढ़िया लगता है, बहुत एकदम बढ़िया साउंड क्वालिटी, ऐसा नहीं है बहुत बुरा, बहुत तगड़ा साउंड है, ठीक है ये देखो। तो बहुत ही मस्त साउंड है जैसे कि आपने देखा, ठीक है मैंने आपको काफी म्यूजिक चला दिया, तो इससे शायद हो सकता है ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए, चलो कोई बात नहीं, आप भाई लोगों के लिए थोड़ा अच्छे से बताना है, तो यार मतलब ब्लॉग तो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है तो चलो अभी एम्पलीफायर को चेंज करता हूँ। 3, 2, 1 तो पेश आपके सामने गई हमारा दूसरा काफी ज्यादा कमाल का एम्पलीफायर, और इसके अंदर कौन सा बोर्ड है बताता हूँ, इसके अंदर गेज लगा हुआ है 4440 IC डबल IC बोर्ड, जो कि मतलब 44-40 IC बोर्ड बोलते हैं। एंड ये जो बोर्ड है ये हाईफाई, हाँ यहाँ पे स्टीरियो एम्पलीफायर है, देखो यहाँ पे हाईफाई स्टीरियो एम्पलीफायर, और ये इसकी कंपनी देख सकते हो, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, यहाँ पे इसका बैलेंस का ट्रेबल बेस वॉल्यूम ये CD BBS डॉल्बी, ठीक है ये सब चीजें हैं। और पीछे में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे 2 मिनट भाई साहब बहुत भारी है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर को बहुत बड़ा लगा रखा है, ठीक है यहाँ पे ये अपना टेप CD यहाँ पे स्पीकर वगैरह कनेक्ट करने का यहाँ पर था बेचारा, वो नहीं रहा, 12 वोल्ट DC देने के लिए ये माइक का था, यहाँ पे 220 वोल्ट देते थे। और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा बुरी खबर यही है कि भाई सर ये नहीं चलता, ठीक है जी हाँ गाइस ये नहीं चलता, क्योंकि मैंने इसके अंदर का सामान जो है ना फिलहाल निकाल रखा, सारी वायरिंग तोड़ रखी है, आपको बता के कुछ टाइम पहले मैं इसको कबाड़ में से ले गया था, पिछला ही व्लॉग आपने मतलब इस व्लॉग से पिछले का व्लॉग ना इसका ही था, मैंने इसको खोल के दिखाया था, इसको तोड़ फोड़ के दिखाया था अंदर से, कबाड़ में लाया था तो बेचारा खराब था, तो अब इसका रिपेयर करेंगे, रिपेयर का वीडियो अलग से आएगा, पार्ट 2 आएगा, तो उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है क्योंकि जैसे वीडियो आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप देख पाओगे। तो चलो मतलब ये तो मैं आपको चला के नहीं दिखा सकता ना, बेचारा अभी खराब है, तो इसको रिपेयर करेंगे तब मैं आपको पार्ट 2 के अंदर, इसके पार्ट 2 के अंदर जरूर दिखाऊंगा, पार्ट 1 ऑलरेडी इसका आ चुके हैं, तो जाके देख लेना इस ब्लॉग को देखने के बाद। चलो फटाफट से फिर मैं एम्पलीफायर को चेंज करता हूँ, कोई दूसरा लेके आता हूँ। तो पेश आपके सामने गई मेरा नेक्स्ट एम्पलीफायर मशीन, और ये भी मैं कबाड़ में से लेके आया था, और कितने का लेके आया था भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने आपको इसका प्राइस बता दिया तो आपको यकीन नहीं होगा, जी हाँ यकीन नहीं होगा, ये मैं लेके आया था मशीन पूरे के पूरे 150 रुपए की, मतलब 150 रुपीज की ये मशीन लेके आया था, अंदर ट्रांसफार्मर इतना बढ़िया क्वालिटी का था, बोर्ड भी ठीक था, सिर्फ इसके अंदर मतलब पुराने टाइप की चीजें लगे रखी थी, जैसे कि USB वाला कार्ड लगा रहा था, ब्लूटूथ इसमें नहीं था, और कुछ कनेक्शन वगैरह टूट फूट रखे थे, वो आपके भाई ने एकदम सही बना दिया था, उसका ब्लॉग अलग से आया था, मतलब इस मशीन का ब्लॉग अलग से आया था, तो अगर उनको देखना चाहते हो तो देख लेना, अगर देखा तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस ब्लॉग को देखने के बाद देख सकते हो। इसको मैंने फुल रिपेयर कर दिया, इसके अंदर ब्लूटूथ लगा दिया, साथ में फालतू की सारी चीजें इसके अंदर से हटा दी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्पीकर कनेक्ट होंगे एंड सब कुछ बाकी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। चलो फटाफट से ये वर्किंग के अंदर है तो मैं आपको इसको जरूर चला के दिखाऊंगा, मतलब क्योंकि इसका साउंड भी बहुत तगड़ा है। और इसके अंदर कौन से ट्रांजिस्टर्स हैं बताता हूँ, इसके अंदर 30-55 ट्रांजिस्टर बोर्ड है, इसके अंदर 4 ट्रांजिस्टर है, तो बहुत तगड़ा साउंड है, फटाफट से यार स्पीकर कनेक्ट करता हूँ फटाफट से बिना देरी। मैंने यहाँ पे सेटअप तो कर दिया था, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी, जब मैंने इसको चलाया ना तो भाई साहब साउंड कुछ इस टाइप का आ रहा है, मतलब यहाँ पे ना इसके कंट्रोलर में दिक्कत आ रही है, तो मेरे को इसको सही करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये कंट्रोलर अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है मतलब बेस बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे इसका ये कंट्रोलर खराब है, तो हमें इसको खोल के सही करना पड़ेगा, नया पोटेंशियोमीटर डालना पड़ेगा। चलो आपको चेकिंग करा के दिखानी है तो कंट्रोलर को चेंज करने पड़ेगा फटाफट से यार, सोल्डिंग लेके आता हूँ, काम पड़ गया भाई साहब, सोचा तो काम जल्दी हो जाएगा बट नहीं भाई साहब, वो
कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें प्रॉब्लम ना आए भाई साहब, प्रॉब्लम तो आएंगी हर काम में। चलो इसको हीट होने के लिए देखता है और फटाफट से सही करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। फाइनली काफी मेहनत लगी, काफी टाइम लगा, बट फाइनली ये सही हो चुका है। चलो आपको इसका म्यूजिक सुनाता हूँ। अभी आपने देखा काफी मस्त बेस भी है, और पहले मैं इसको यार बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो काफी मस्त इसका बेस भी है, काफी क्वालिटी वाला साउंड है, ज्यादा फट भी नहीं रहा। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि ये जो कंट्रोलर है ना, ये भी भाई साहब हल्का फुल्का खराब है। बिल्कुल सही तो मेरे पास फिलहाल अभी नहीं है, ठीक है। जो मिला मैंने वो लगा दिया, अगर मैं यहाँ पे नया लगाऊंगा तो ये जो नॉइस का प्रॉब्लम है ये भी एकदम मस्त सही हो जाएगा। तो मैंने आपको बट यहाँ पे अच्छे से साउंड इसका टेस्ट करा के दिखा दिया, इसका बेस काफी तगड़ा आ रहा है। बट यहाँ पे मैंने अच्छे से फुल वॉल्यूम नहीं किया, वरना भाई साहब बहुत ज्यादा दूर दूर तक आवाज जाएगी। तो इसके बाद गाइस यहाँ पे हमारे पास है ये वाला कमाल का एम्पलीफायर, जो कि गाइस देखने में सबसे ज्यादा मेरे को मस्त लगता है। बट यहाँ पे इसका साउंड इतना बढ़िया नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत अभी प्रॉब्लम है। इसके अंदर एक कमी है, जो कि है कि इसके अंदर ट्रांसफार्मर नहीं है, मतलब है वो खराब है, ठीक है। 24024 का अगर ट्रांसफार्मर अगर इसके अंदर लगाएंगे तो ऐसा मजा है। फिलहाल इसका साउंड इसका तगड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी अडेप्टर सिर्फ और सिर्फ 2 एम्पियर का 12 वोल्ट का है, और इसको 12 वोल्ट से हम चला सकते हैं। बट अगर ज्यादा एम्पियर हो, जैसे 6-7 एम्पियर अगर हो, तो भाई साहब मजा आ जाएगा। बट अब क्या कर सकते हैं, यही है, ठीक है। तो अब इसी से मैं आपको चला के दिखा सकूंगा, बट आपको कैसे ना अंदाजा हो जाएगा कि इसका साउंड कैसा है, ठीक है। चलो फटाफट से इसके भी कनेक्शन वगैरह कर लेता हूँ, सारा सेटअप कर लेता हूँ, खत्म। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, कनेक्शन डन हो चुके हैं। यहाँ पे इसको चला रहा हूँ 12 वोल्ट के 2 एम्पीयर के अडैप्टर से, सिर्फ और सिर्फ 2 एम्पीयर दे रहा हूँ और सिर्फ 12 वोल्ट दे रहा हूँ। अगर ये 24024 से चलेगा तो ही भाई सब तगड़ा साउंड आएगा, वरना ये एकदम कबाड़ा आवाज देगा, ठीक है। तो मैं आपको चलो चला के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आवाज फुल है, इसको बढ़ाता हूँ, आवाज बस इतनी है, ठीक है, बस ठीक है, यही है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था ये सिर्फ और सिर्फ देखने में मस्त लग रहा है, ठीक है। इसका आवाज एकदम घटिया है, मतलब घटिया तो यार मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मतलब अभी के लिए घटिया है। बट अगर इसके अंदर जो ना पावर सप्लाई बढ़िया लगा दीजिए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। मैंने जब इसका पार्ट 2 लाया था ना, मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस बनाए थे ये वाले एम्पलीफायर के ऊपर। पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको इसको खोल खोल के दिखाया था, और ये भी मैं कबाड़ में से लेके आया था। ये मैं लेके आया था 300 रुपए का, ठीक है, पूरा कबाड़ में से ये मशीन लेके आया था, और मतलब लगभग 300-400 के अराउंड लेके आया था, ठीक है। बट यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो मैंने सही कर दी, ठीक है। और सिर्फ इसका पावर सप्लाई अच्छा नहीं है, अगर ट्रांसफार्मर इसके अंदर थोड़ा 24 का लगा दिया जाए तो फिर इसका साउंड बहुत तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारे आज के मतलब ब्लॉग के सारे एम्पलीफायर्स, और आई होप आपको मजा आएगा। मजा तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे मजेदार ब्लॉग्स वगैरह आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत ही गर्मी भर के भाई साहब गर्मी मतलब पंखा बंद करके भाई साहब ब्लॉग बना रहा हूँ, और बहुत ही गर्मी लग रही है, तो फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आपको जल्दी नया ब्लॉग आना, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।